तो कैसे हैं आप लोग? अरे मुझे पता है तुम सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। भाई देखो, ऐसी बात है, पैसा इंसान को कहाँ से कहाँ ले आता है ये बात तुम खुद नहीं सोच सकते। तो अभी मैं आया हुआ हूँ कोलकाता। तुमने शायद अभी मेरे जो है एयरप्लेन के शॉट्स देखे होंगे। मैं सही से दिल्ली एयरपोर्ट पर शूट नहीं कर पाया क्योंकि यार लगेज बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे आके थोड़ा फ्री हुआ हूँ, कल रात को ही पहुँचाऊँ। और मैंने यहाँ पे अपना जाके थोड़ा सामान वामान होटल में चेक इन करके सामान रख के अब निकला हूँ मैं बाहर। अब देखो यार, कपड़े भी बिल्कुल नॉर्मली पहना हूँ, अभी लगा शादी में आया हूँ। लेकिन मैं हूँ यहाँ पर कुछ दिन, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें देखने की, अलग जगह एक्सप्लोर करने की। क्योंकि दिल्ली में तो भाई कुछ ऐसी जगह है जहाँ जाके व्लॉग शूट करने में तो बहुत मज़ा आएगा बाहर के लोगों को, लेकिन अपन जो है इतना घूमे हैं वहाँ पे, इतना घूमे हैं कि बोर हो गए सच्ची बात दिल्ली घूम घूम के। तो यहाँ पे आगे कुछ जगह घूमेंगे और यहाँ की कुछ मार्केट्स भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और मैं शायद कुछ डीलर्स को भी यहाँ पे अभी कॉन्टैक्ट करूँगा जो चाहे वीडियो बनाने के लिए, अगर किसी को बनवानी हो तो ज़रूर बनवाएगा। तो यार बाकी की वीडियो शूट करते रहेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे यहाँ पे अभी हम क्या क्या करने वाले हैं। तो यार देखो, अपनी दिल्ली में खाने के आइटम बहुत बढ़िया मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ ला रहा हूँ कभी खाई भी नहीं होगी सच्ची बात। मैं आपको थोड़ा शौक हूँ ज़ाफ़रानी जलेबी। गरम गरम है बिल्कुल, हाथ लगाने से टूटेगी। ये कह रहा है ऐसी है बिल्कुल, हाथ लगाने से टूटेगी, ट्राई करते। गरम तो चांदनी चौक की जलेबी फेल है भाई इसके आगे। मैं कह नहीं सकता तुमसे आके ट्राई करना क्योंकि भाई ये तो स्पेशली बन रही है यार शादी के लिए। बिल्कुल मैंने क्रिस्पी करके निकलवाया, बेहतरीन आ गया मस्त बेहतरीन यार सही में। यहाँ की एक स्पेशलिटी और है, यहाँ पे जो है पूरी जो होती है उसका साइज कितना है बिल्कुल एक बारी में पूरी पूरी। हलवा मटरी नहीं है, पूरी है, ध्यान से देखो पूरी है ये इस साइज की, बिल्कुल देखो इतनी सी। अभी मैं आ चुका हूँ होटल में और मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अपने कपड़े जो है चेंज कर लिए हैं और अब मैं वापस जाऊँगा बाहर और थोड़ा सा घूमूंगा और कुछ अच्छे शॉट्स लेने की कोशिश करूँगा। फिर वापस मेरे को वहीं जाना है जहाँ से मैंने शुरू में दिखाया था, लंच करना है वहाँ जाके। अभी तकरीबन 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, मे भी 2:30 ही बज रहे होंगे। जल्दी से यार चेंज करते हैं, बाल को ज़रा सा सही वही करते हैं, अभी बिल्कुल यार फ्रेश होकर आया हूँ। सच्ची बात थकान बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल भी थकान नहीं होती। हालत देख रहे हो मेरी आंखों में, देखो गड्ढे वड्ढे से हो रहे हैं। तो जल्दी से फ्रेश होके चेंज होके आराम से बिल्कुल मस्त होके निकलेंगे बाहर। नहीं चेंज कर रहा तो क्या इसलिए कहा था बाहर में बताना। ऑनेस्टली फ्रेंड यार मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं दिन में जो है शूट नहीं कर पाया किसी वजह से, और मैं कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि बहुत ज़्यादा शूट करना मुश्किल हो गया। लेकिन इस टाइम बज रहे हैं रात के तकरीबन 11:30। से वैसे सिमिलर डायलॉग है, अगर तुमने नहीं देखी तो मेरी काइट फ्लाइंग वाली ब्लॉग है उसका पीछे देख लेना, तो उसमें भी कुछ इसी तरह का इंटरफेस मिल जाएगा तुम्हें या डायलॉग बोल सकते हो। तो अब मैं निकला हूँ जाके खाना वाना खा के बिल्कुल अब फारिग होके कोलकाता की स्ट्रीट्स जाके करेंगे हम एक्सप्लोर और कोशिश करेंगे यार कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाए क्योंकि यार बहुत तेज़ प्यास लग रही है। कोलकाता की स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा साफ है एज़ कम्पेयर टू आर दिल्ली। यहाँ पे सिर्फ कचरा पड़ा हुआ मिल रहा है, वो भी बिल्कुल ऐसा कोरों में, सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अभी मेरी एक यहाँ के लोकल से बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बताया कि यार मैंने चाय जाके पीऊँ, इस टाइम मैंने पूछा कि लेट्स यार चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, ये पीछे से लाइट्स बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, थोड़ा अवॉइड कर रहा है इनको।
टोटल अमाउंट बोला। चाय 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 चाय, लेट्स सी कहाँ मिलती है चाय। अच्छा यार, कोलकाता के एक चीज़ और बहुत ज़्यादा स्पेशल देखने को मिल रही है जो हमारी दिल्ली में नहीं दिखती थी। सबसे पहले येलो येलो टैक्सीज, हाँ येलो येलो टैक्सीज, और उसके अलावा घोड़े टांगा, हाँ, और हैंड वाला रिक्शा जो होता है वो इंसान जो खींचता वाले के जाता है वो वाला रिक्शा भी यहाँ देखने को मिल रहा है। कुछ चीज़ें थी कभी दिल्ली में देखी नहीं, जो येलो टैक्सी थी वो तो बहुत टाइम हो गया बंद हुए, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ऐसी देखने को मिल रही है कॉमन, जिसमें सबसे ज़्यादा येलो टैक्सी है। और एक बात जो है मैंने बहुत तगड़ी नोटिस करी है, यहाँ पर टैक्सी का जो फेयर है ओला उबर का फेयर हद से ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा। फाइनली यार जाके थोड़ा सा आराम मिला, चाय मिल चुकी है। और हाँ, यहाँ की स्पेशलिटी है यहाँ पे चाय जो है कप्स में या मग्स में नहीं दी जाती, ये मिट्टी का कुल्हड़ होता है इसमें चाय देते हैं, और चाय का बियर भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। We call this sip as a golden sip. Honestly, यार यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, और लोगों के बात करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। Likewise, ओल्ड दिल्ली, अगर तुम ओल्ड दिल्ली में देखो तो अबे तबे तेरी ऐसी तेरी वैसी, उसके बगैर तो भाई अपना lifestyle जो है चलता नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, और उनका लहजा जो है बिल्कुल आप जनाब के अलावा कुछ और तीसरी चीज़ वो जानते नहीं। यहाँ पे आई डोंट नो मेरे कैसे निकलने वाले हैं ये दिन, क्योंकि मेरे तो यार अभी से कान तरस रहे हैं अबे तबे सुनने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई करता नहीं। सबसे बड़ी बात, कम से कम 1 किलोमीटर चल के आके मेरे को यहाँ पे आके चाय मिली है, जिससे बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ गई और रात को घूमने के लिए थोड़ी हिम्मत निकाली है, क्योंकि ये ब्लॉग पूरा करना था तो जल्दी से यार कोलकाता जा रहे हैं हम पार्क स्ट्रीट पे, यानी वहाँ जाके ज़रा सा एक्सप्लोर और करेंगे, फिर वापस आके इस ब्लॉग का एंड करेंगे। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो ब्यूटीफुल, अगर तुम यहाँ पे नोट करोगे तो यहाँ की बिल्डिंग्स जो है बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई हैं। अगर तुम मेरे पीछे देखो तो बहुत अच्छे से सजा रखी है पीछे वाली बिल्डिंग, और यहाँ की बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा खासियत देखी कि हर बिल्डिंग के बीच में गैप है, चाहे नॉर्मल फ्लैट्स बने हो या नॉर्मल तरीके के घर हो, हर दूसरी बिल्डिंग के बीच में गैप है, पता नहीं किस लिए, लेकिन ऑल साइड ओपन है हर घर। यहाँ पे मैंने जितने नोट करे हैं, जहाँ पे मैं रुका हूँ उस होटल में भी चारों तरफ से वो ओपन है, वहाँ पे बहुत अच्छे से वेंटिलेशन वगैरह हो रही है, और सबसे बड़ी बात यार गर्मी बिल्कुल नहीं है और ना ठंड है, सबसे अच्छा प्लीजेंट वेदर बिल्कुल। पता नहीं तुम लोग नोट कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है ट्राम की जो है यहाँ पे ट्रैक बनी हुई है, यहाँ पे से ट्राम चल के जाती है। अभी तक तो वैसे मेरे को दिखी नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं आती है आगे, ट्राम डिपो भी है कहीं पे यहाँ पे, तो ये जो है ट्रैक है ट्राम की है, किधर है एक रोड के उस साइड पर है। वैसे कोलकाता की एक चीज़ और रियलाइज़ करी, यहाँ के लोग इतने शांत और इतने ठंडे दिमाग से काम लेने वाले हैं, यहाँ पे जब तक ज़रूरत नहीं है कोई भी बंदा हॉर्न नहीं बजाता। यहाँ पे हमारे जैसे होता है दिल्ली में, आगे भी बंदा अगर खड़ा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल रेड है ग्रीन है वो हॉर्न बजाता रहेगा, उसको पता है आगे वाला निकल नहीं सकता जब भी हॉर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे यूजलेस है, यहाँ कोई बजाता ही नहीं हॉर्न, जब तक ज़रूरत नहीं है जब तक वो हॉर्न नहीं बजाएगा, बिल्कुल सुकून से ठंडे दिमाग से चलते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल आप जनाब वाली रह जाए, ये मान लो बिल्कुल छोटे लखनऊ की तरह है, छोटा लखनऊ कह सकते हो, बिल्कुल जैसे लखनऊ का आप जनाब वाला लह जाए, तो बिल्कुल उस तरह के लोग यहाँ पे बिहेव करते हैं, और बहुत अच्छी जगह है। यार रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगा, मैं इसका जल्दी जल्दी अगले अगले पार्ट आने की कोशिश करूँगा, और कल जाएंगे हम कोलू टोलू, वहाँ जाके मैं एक नई ब्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगा। अब वैसे यार जगहों के नाम भी बहुत अजीब है मुझे पता है, और तुम्हें भी अजीब लग रहे हैं तो इसको अवॉइड करना। यार अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक अगर देख रहे हो यार तो मेरा असली सब्सक्राइबर हो। अगर तुमने इस वीडियो को अभी तक देखा है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइट्स की वजह से रिफ्लेक्शन बहुत बुरा आ रहा है, लेंस पे तो पड़ के और ऐसे हो रही है लाइट, तो यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो यार बस खत्म करो यार इस वीडियो को, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।